एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत। DLED UPBTC सेकेंड सेमेस्टर के बारे में जो सिलेबस लेके आया हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि जो DLED द्वितीय सेमेस्टर 2019 वाले बैच के जितने भी हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए सिलेबस क्या है और हमको पढ़ना क्या है। अगले दिन से सभी को प्रत्येक क्लास की एक एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे भी हम ये भी जानकारी लेंगे कि किस दिन क्या चीज़ हम पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब सिलेबस रहने वाला है और किस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हम लोग देंगे। तो करना क्या, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अंत में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं UPBTC द्वितीय सेमेस्टर यानी द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम जो है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है और इसकी रूपरेखा क्या होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो द्वितीय सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे द्वितीय सेमेस्टर में। कि वर्तमान में, ठीक है, भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, विज्ञान हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य पढ़ना है, कला संगीत शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, ये सभी पढ़ना है और फाइल आखिर में बनाना है। अब चलिए इन सभी जो भी विषय हमारे दी गई हैं इन सभी की अंदर जा कर के पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर में इन सभी के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सभी विषय को जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में कितने नंबर का आता है, ठीक है, ये सभी चार जानकारी ले लें। तो विषय विज्ञान है, यह है कालांश न्यूनतम नंबर 50 का होता है, समूह चर्चा प्रोजेक्ट का 30 नंबर प्राप्त होता है, गणित का 50 नंबर न्यूनतम होता है और हमारा क्या होता है और समूह चर्चा प्रोजेक्ट का 30 नंबर मिलता है, सामाजिक अध्ययन में 75 नंबर और 30 नंबर मिलता है, हिंदी में 45-15 मिलता है और अंग्रेजी में 45 नंबर सॉरी 60 नंबर मिलता है और 30 नंबर मिलता है, और समाज उपयोगी उत्पादक कार्य में हमको 45 नंबर और 15 नंबर मिलता है, शारीरिक शिक्षा में 15 नंबर हमको मिलता है लेकिन प्रैक्टिकल का नंबर नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे क्या है कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में 75 और 15 नंबर प्राप्त होते हैं, और आगे है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में 75 और 15 नंबर मिलते हैं, और कला में केवल हमको 30 नंबर मिलते हैं और परीक्षा में 10 नंबर मिलते हैं, यानी कुल योग देखा जाए तो 490 और 210 का होता है। आगे चलिए बात कर लेते हैं कि अंदर इन सभी विषय के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज और शारीरिक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये वाकई ये PDF जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, हम आपको एक आधी विषय का बता देंगे। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो आप लोग को करना क्या है, नीचे लिंक मतलब WhatsApp लिंक दे दिया जाएगा, आप सभी वहाँ से जुड़ जाइएगा और ये जो PDF है ये मैं PDF आप लोग को सेंड कर दूँगा, ठीक है, और जिससे कि आप लोग उसको कायदे से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ये PDF बहुत ही बड़ी है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा में यानी वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में क्या पढ़ेंगे, शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है और प्रमुख शैक्षणिक विचारधाराएँ क्या हैं, ठीक है, और भारतीय विचारक क्या हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें स्टडी करना है हमको, शिक्षा और समाज का अंतर संबंध स्टडी करना है, ठीक है, यानी इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमको लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो आपको करना क्या है, एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अगर PDF के माध्यम से, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे जो चैनल का है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद में वहीं पर आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकें। और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूं कि चैनल के माध्यम से सभी की क्लासेस चलाई जाएंगी, सेकंड सेमेस्टर वाली जो भी बच्चे हैं उन सभी की क्लासेस चलाई जाएंगी, अगर आप लोग क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक काम करना है आपको कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद में आप लोग को वहाँ में जैसे ही कोई क्लास आएगा, ठीक है, वैसे तो मैं पर डे क्लास लेकर के आता हूँ, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर वाली क्लासेज हैं वो अगले दिन से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। अगले दिन से यानी एक तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, 1 मई से। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और पूरा PDF पाने के लिए, जो भी PDF आप लोग देख रहे हैं इसकी पूरी PDF पाने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। उस पर हाई लिखकर भेजिएगा, हम तुरंत ही आप लोग को PDF सेंड कर देंगे। चलिए, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।